हे गाइस, मैं हूं पंकज। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये वीडियो पार्ट नंबर है 34। देखिए, अभी तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं। एजुकेशन हमने किया, हेल्थ हमने किया, एनर्जी, इंडस्ट्रीज़, यहाँ तक 33 पार्ट तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो पार्ट में मिनरल्स करेंगे। जैसा हर एक वीडियो पार्ट में बताते हैं कि किस तरह से वीडियो जाने वाली है, मिनरल्स करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स इन झारखंड, किसका कितना प्रोडक्शन होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं प्रीलिम्स के, कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये पूछे जाते हैं। दूसरा, मिनरल पॉलिसी झारखंड की कब आई, और इसके कुछ हम जो है क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी जो मेटलिक मिनरल होते हैं, नॉन मेटलिक मिनरल होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक तरह से पेड कोर्सेज है, UPSC, MPPSC और BPSC के लिए। आपको इन नंबर पर कॉल करनी है, ठीक है। आप इससे हमारे क्या हो जाएगा, पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं स्टडी मटेरियल के साथ, टेस्ट सीरीज़ के साथ, हम सब आपको देते हैं। बाकी फ्री टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है, नीचे क्या था, पेड ग्रुप वाला, अब फ्री आपको अगर ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में सर्च कीजिए सर्च बॉक्स में। यहाँ पर बहुत सारी फ्री PDF और टेस्ट सीरीज और बहुत सारे डेली के नोटिफिकेशन अगर आप मिस कर देते हैं तो आप इसमें से पा सकते हैं। ओके, आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है झारखंड के खनिज, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है, झारखंड के खनिज, ठीक है। झारखंड के खनिज, झारखंड हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ मिनरल, अप्रॉक्स 40% ऑफ टोटल मिनरल ऑफ द कंट्री आर अवेलेबल इन द स्टेट। देखिए, पूरे अगर इंडिया के बारे में बात करूँ तो 40% तो सिर्फ झारखंड में है। द स्टेट इन द डोमिनेंट प्रोड्यूसर ऑफ कोकिंग कोल, यूरेनियम एंड पायराइट्स, ठीक है। अभी ये पायराइट्स क्या है, यूरेनियम क्या है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी कोकिंग कोल के बारे में मैं आपको बता दूं, कोकिंग कोल इज द टाइप ऑफ कोल, ये एक तरह का कोयला ही होता है, विच ऑन हीटिंग इन द एबसेंस ऑफ एयर अंडरगोज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन टू प्लास्टिक स्टेट स्वेल्स एंड देन सोलिफाइड टू फॉर्म कोक। अब क्या करते हैं, जो कोयले को जलाते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं इन द एबसेंस ऑफ एयर, और वो बाद में प्लास्टिक स्टेट की फॉर्म ले लेते हैं। जैसे प्लास्टिक होता है ना, जैसे जम जाता है, वो टूटता नहीं है और सॉलिडिफाई हो जाता है, तो जनरली इस कोक में जितनी प्योरिटी होती है, मतलब जितनी इम्प्योरिटी होती है, जितना पॉल्यूशन एक कोयला करता है, रॉ कोयला करता है, उतना कोक नहीं करता है, ठीक है। बाकी कार्बन तो होता है, बट उतना ज़्यादा ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता। ओके, बाकी कोक के लिए एक ये चीज़ है कि ये स्टील बनाने के काम में आता है, ठीक है, कोकिंग कोल। ओके, ये याद रखना है। इंडिया रैंक, इट रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल, मीका, कायोनाइट्स, ये सभी अभी हम डिस्कस करेंगे। कॉपर इन इंडिया, ठीक है, भारत में पहले कोल में, मीका में, कायोनाइट्स में, कॉपर में झारखंड पहले नंबर पे है। आगे, धरावियन सेडिमेंटेशन इनेबल्ड द स्टेट टू हैव गुड रिजर्व ऑफ सुपीरियर क्वालिटी आयरन ओर। देखिए, धरावियन सेडिमेंटेशन, जो धरावियन रॉक सिस्टम है, उसके बेसिस पे अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर हमें मिल जाता है साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ स्टेट में, ठीक है, राज्य के साउथ ईस्टर्न पोर्ट में पोर्शन में हमें ये मिल जाता है। उसके बाद, झारखंड इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ कोकिंग कोल एंड यूरेनियम, ठीक है, एकमात्र राज्य है जो ये करता है, बाकी दूसरे भी राज्य करते हैं, बट मोस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में कौन करता है, झारखंड, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं, मिनरल्स रिजर्व क्वांटिटी, लोकेशन और यूजेस। हमें मेन चीज़ है लोकेशन कहाँ पर है ये पाई जाती है, बाकी क्वांटिटी आपको कुछ याद नहीं रखनी क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, बट लोकेशन आ जाता है कि चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कहाँ ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आपको, एपेटाइट, सिंहभूम, एपेस्टॉस, सिंहभूम, बायट, सिंहभूम, ठीक है, इसके यूजेज हैं, ठीक है। मिनरल फर्टिलाइजर बनाता है, जेमस्टोन ये बनाते हैं। एपेस्टॉस से क्या बनता है, पाइप्स, रस्सियाँ, ठीक है, ये छोटी छोटी। बाइट से सिंहभूम में पाया जाता है, हाइड्रेटेड एलुमिनिया बनता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट पलामू, रांची, गुमला, लोहारदगा में और एलुमिनियम के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। चाइना के लिए से, चाइना के लिए लोहारदगा में मिल जाएगा, रांची में मिल जाएगा, दुमका, साहिबगंज और सिंहभूम में देखने को मिलता है, लोकेटेड है। ओके, क्रोमाइट सिंहभूम में और क्रोम से बनाए जाते हैं, ठीक है। कोल झारिया में, बोकारो और करनपुर में। कोबाल्ट जो है सिंहभूम, और कोबाल्ट ऑक्साइड का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। कॉपर ओर सिंहभूम में, और कॉपर ओर से कॉपर जो है मेटल, जैसे आपके घर के तार होते हैं ना, बिजली के तार,
आप चार्जर यूज़ कर रहे हैं तो आपका चार्जर का जो तार है वो कॉपर से ही बना है। डोलोमाइट, पलामी और गढ़वा, डोलोमाइट से सीमेंट बनाने का काम किया जाता है, ठीक है। फेल्सपार कहाँ? दुमका में मिलता है, हजारीबाग, देवगढ़ में। क्या मिलते हैं? क्रॉकरी बनाए जाते हैं इससे, ठीक है। फायर क्ले धनबाद में, बोकारो में, इससे भी क्रॉकरीज बनाए जाते हैं, ठीक है। गार्नेट हजारीबाग, बीड्स और जेमस्टोन बनाए जाते हैं, थोड़ी सी ज्वेलरी भी बनाई जाती है इससे, ठीक है, जो लोग गले में डालना और गले में पहनना पसंद करते हैं, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोग। गोल्ड ओर, गोल्ड ओर से सिंपल सी बात है, गोल्ड मिनरल से क्या मिलेगा? ओर से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। रांची और सिंहभूम में मिलता जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक इग्निशियस रॉक है। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ ये इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक है या एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, ठीक है। इसके टाइल्स दुमका और गोड्डा में इसके क्या बनते हैं? टाइल्स बनते हैं, ठीक है, टाइल्स होगा यहाँ पर, ठीक है। आयरन ओर सिंहभूम, और आयरन होता है, आयरन बहुत जगह स्टील इंडस्ट्री में ये सब यूज़ होता है। लाइमस्टोन हजारीबाग में सीमेंट बनाया जाता है। मैग्नीज सिंहभूम में, मैग्नीज इससे निकाला जाता है। मीका कोडरमा में, मीका पाउडर, ठीक है, एल्युमिनियम और सिलिकेट्स। ओके अब देख लेते हैं कौन कौन से मिनरल अवेलेबिलिटी है झारखंड में, खनिज उपलब्धता किसकी है और कितनी है ये भी देख लेते हैं। अभी तक तो हमने देख लिया ना, बहुत सारे जो मिनरल्स थे, खनिज थे, उनके यूजेस देख लिए कि कहाँ कौन यूज़ होता है और किस ज़िले में पाए जाते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कुछ झारखंड में खनिज उपलब्धता, प्लेंटी, सफिशिएंट और इनसफिशिएंट। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन कौन पाए जाते हैं? चाइना के लिए, फायर के लिए, मैग्नेटिक, ग्रेफाइट, काइनाइट, कॉपर, बॉक्साइट, फेल्सपार, मीका, डेकोरेटिव स्टोन्स, इन सब के यूज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सफिशियंट कि लगभग ठीक ठाक मिडिल में, उतना ज़्यादा ना कम ना ज़्यादा। कोयला, आयरन ओर, लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट। इनसफिशिएंट में एडुलोसाइट, मैग्नीज, क्रोमाइट, बेरिल, टाक, गोल्ड और बेंटोनाइट, ठीक है, ये इनसफिशिएंट है, तो ये कॉमन कॉमन याद रखना, ठीक है, जो मेन पूछे जाते हैं, गोल्ड इनसफिशिएंट। ओके ओके नाउ मिनरल्स रिजर्व फाउंड इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड, रिजर्व इन मिलियन टन्स, जो भी ये क्वांटिटी होगी मिलियन टन्स के बेसिस पर होगी, जो रिजर्व होंगे, भंडार होंगे, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने पाए जाते हैं, नेशनल में कितने पाए जाते हैं, और झारखंड का रिजर्व कितना है, और इंडिया के बेसिस पर झारखंड का कितना परसेंट रिजर्व है, क्योंकि ये वन लाइनर फैक्ट हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहला कोयला, नेशनल रिजर्व कितना है? 2,93,497। झारखंड का कितना है? मिलियन टन्स नहीं बोलूंगा, ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये रिजर्व मिलियन टन्स में है। ओके झारखंड में रिजर्व है 80,356, और इंडिया के रिस्पेक्ट में झारखंड में कितना है? 27.37%। ये डायरेक्ट पूछा जाता है इंडिया का कितना प्रतिशत हिस्सा जो कोयला है झारखंड में है, ठीक है, और किस जिले में? धनबाद, बोकारो, लातेहार, गिरिडीह, रामगढ़, छतारा, हजारीबाग और पाकुड़, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन ओर, हेमेटाइट इसका ओर होता है जिसे आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंडिया लेवल पर कितना है? 17,882, झारखंड में 4,596, 25% है, वेस्ट सिंहभूम में मिलता है। एपेटाइट रॉक ऑलरेडी मैं सबके यूज बता चुका हूँ, 24.7 मिलियन टन झारखंड में होता है, इसका 27% है, वेस्ट सिंहभूम। कोबाल्ट 44 मिलियन टन, 9 मिलियन टन, ठीक है, फॉस्फेट का होता है एपेटाइट, 20% और ईस्ट सिंहभूम में। सिल्वर ओर 466 मिलियन टन और 23 मिलियन टन झारखंड में हो जाता है, और इसका 5% है, रांची ईस्ट सिंहभूम में। कॉपर ओर 18.48% है और ईस्ट सिंहभूम में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। कायनाइट 103 मिलियन टन है और सिर्फ 6 मिलियन टन यहाँ पाया जाता है, और 5.84% झारखंड में है पूरे इंडिया का। वेस्ट सिंहभूम, सरायकेल खरसवां, ईस्ट सिंहभूम। ग्रेनाइट मतलब सॉरी ग्रेफाइट 7.38% पलामू में। फायर क्ले 9.33% धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, पलामू, इन जिलों में। क्वार्ट्ज और सिलिका 4.4%, बेंटोनाइट 0.17%, सबसे कम देखो साहिबगंज। बॉक्साइट किसका और होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
3779 मिलियन टन जो होता है इंडिया में, 146 झारखंड में, तो उसका इसके बेसिस पे कितना परसेंट हो गया, 4.20%। लोहारदगा, लातेहार, गुमला, गोड्डा, साहिबगंज, चाइना के लिए 7.33%। सेम फेल्डस्पार 1.23%, डुमका, हजारीबाग, देवगढ़, ठीक है। बाराइट्स 0.004%, उससे भी कम, ठीक है। जो जो कम है वो चीज़ लिख लेना। देखो इससे पहले क्या था, ये था बेंटोनाइट, ठीक है। ये बेंटोनाइट 0.17%, उससे भी कभी कम हमने देखा। बाराइट्स 0.04%, रांची, पलामू, ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। उसके बाद डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, ठीक है, सोप स्टोन है, क्रोमाइट है, मैग्नीज है, निकल है, गोल्ड ओर है, फिर भी गोल्ड ओर उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, 0.04% से इंडिया के बेसिस पर। हाँ, झारखंड पर नहीं, झारखंड के लिए तो मिलियन टन आपको पता है, ये 8.15 मिलियन टन होता है, बट इंडिया के रिस्पेक्ट में कम होता है। ओके, ओकरे, वर्मिक्यूल्ट, मिका, ब्लैक ग्रेनाइट देखिए 19.36%, ठीक है। ओके, कलर्ड ग्रेनाइट का कोई डाटा नहीं है, और ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से ये सोर्स लिया है, तो ये एक जेन्यून सोर्स है मिनरल्स का, ठीक है, आप इसको पूरा रिलाई कर सकते हैं। ओके, द मिनरल ऑफ झारखंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। देखिए झारखंड के जो खनिज है उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले मेटालिक मिनरल्स, जिसमें आते हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर, लेड, जिंक, बॉक्साइट, गोल्ड और सिल्क, ठीक है, जिन्हें खनिज धातु कहते हैं, ठीक है, जिसमें धातु मिलता है, धातु को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नॉन मेटेलिक मिनरल जैसे पायराइट, मीका, लाइमस्टोन, कायनाइट, फायर क्ले, जिप्सम, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। दूसरा एटॉमिक और पावर जनरेटिंग मिनरल, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में जिनका यूज़ होता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, वेनेडियम, कोल एक्स्ट्रा, ठीक है, पावर जनरेटिंग मिनरल्स होते हैं। तो एक एक करके सब मिनरल्स पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है लेक्चर, बड़ा कुछ नहीं है। देखिए बड़ा होता है तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा लेक्चर में सब चीज़ मैश्ड अप है, आपको कैटेगराइज वाइज आपको दे दिया जाता है, जो प्रीलिम्स में आता है वो बता देते हैं, मेंस में जो आता है वो बता देते हैं, ठीक है। तो आपको बस नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, एज सिंपल इट इज़, ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, मेटेलिक मिनरल, आयरन ओर, सबसे पहले आयरन ओर, ठीक है। झारखंड में रैंक्स 4th इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर इन द कंट्री, जो झारखंड है 4th रैंक में है, आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और जो ये आयरन ओर है, धरावियन रॉक सिस्टम का पार्ट था, ठीक है, ऐसे होते हैं ना रॉक सिस्टम, आर्कियन, ज्योग्राफी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, धरावियन को पूरा एक्सप्लेन किया है। जिसने अभी ये नई वीडियो देख रहा है पहली बार ये वीडियो, तो झारखंड की ज्योग्राफी ऑलरेडी हम करा चुके हैं, उसको देख लेना आप पहले, ठीक है। इट हैज़ कंसिडरेबल रिजर्व ऑफ हेमेटाइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइट, ये आयरन के ओर है, ठीक है। बाकी ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कितना ओर है, कंजिस्ट करता है, और कहाँ कहाँ मिलेगा ये बता देता हूँ आपको। जो है ये है लोकेटेड इन नोमुंडी, पंसारिया, बुरु, किरुबुरु, ये माइंस हैं, ठीक है, खदानें हैं, ये पूछी जाती हैं, ऑलरेडी पिछले वाले में बता चुका हूँ किरुबुरी माइंस कहाँ है, ठीक है। ओके, मोस्टली आयरन ओर माइंस आर लोकेटेड इन द कोल्हान एरिया, आधी से ज़्यादा जो कोल आयरन ओर माइंस होती हैं कोल्हान एरिया में सिचुएटेड है, और जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये जमशेदपुर टाटा उसमें यूज़ होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइट आर फाउंड इन गोरे नियर डॉल्टनगंज भी पाया जाता है, ठीक है। ये तो कुछ आयरन ओर के बारे में जो छोटी छोटी डिटेल थी वो मैंने बता दी, जो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर, कॉपर बेल्ट ईस्ट सिंहभूम में है और 219 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी कि उस पूरे एरिया में कॉपर और पाए जाते हैं और कॉपर उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अब ये बेल्ट कहाँ कहाँ तक फैली गई हैं, सरायकेल, धलबूम, ठीक है, और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारागोरा, ठीक है, बहारगोरा। आगे झारखंड का रिजर्व कुछ इतना मिलियन टन है, जो कि इंडिया के 18.48 है, ऑलरेडी मैं टेबल डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये डिस्कस करने की कोई खास वो नहीं है। अब कौन कौन सी माइन है, कॉपर माइंस, राखा माइंस है, मोसा बंजे है, ठीक है, धोपानी माइंस है, ये इंपॉर्टेंट कॉपर माइंस हैं झारखंड में। दूसरी कॉपर माइंस जो हैं अष्टकाउली, बढ़िया, छपरी, ये वो है, ठीक है। बाकी कौन कौन से ज़िले में है, हजारीबाग, गिरिदीह, साहिबगंज, ये ऑलरेडी
मैंने टेबल में लिखा हुआ है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बॉक्साइट रांची और पलामू डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ये थोड़े से स्पेसिफिक ज़िले हैं जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ दोबारा लिखा है, ठीक है। ओके, बॉक्साइट इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विथ लैटराइट्स, लैटराइट्स के साथ, लैटराइट सॉइल पढ़ी है ना आपने, उसके एसोसिएशन के साथ बनते हैं, मिलते हैं यहाँ पर झारखंड में, ठीक है। राजमहल हाईलैंड्स हैव ऑल्सो बॉक्साइट, राजमहल के जो हाईलैंड है वहाँ बॉक्साइट है, यानी कि लैटराइटिक सॉइल हो चाहे बॉक्साइट हो, आप सबको पता है क्या मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है, ठीक है। बाकी नियरली 80% जो माइंस हैं, प्राइवेट माइंस रांची और लोहरदगा एरियाज में हैं, ठीक है, निजी खदान की जाती हैं। आगे द इम्पोर्टेंट माइंस ऑफ बॉक्साइट आर, जैसे बागरू है, दूधा है, कच्चा है, खमार है, ठीक है, बंजारी, ये बॉक्साइट की माइंस हैं, खदान हैं, ठीक है। आगे बॉक्साइट रिफाइनिंग फैक्ट्रीज जो हैं मोरी और लोहरदगा में सिचुएटेड हैं, ओके। नेक्स्ट है मैगनीज, मैगनीज फाउंड विथ आयरन ओर डिपॉजिट इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट, ठीक है, दक्षिण पूर्व में आप सबको मिल जाता है, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चाईबासा, जमदा, बिटवीन जमदा और नुआमाडी मिलता है, ठीक है। और इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, स्टील, ड्राई बैटरीज, इंडस्ट्रीज, ग्लास, ये सब यूज़ होता है। क्रोमाइट मेन सोर्स ऑफ क्रोमियम एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन आयरन स्टील में भी ये यूज़ होता है, स्पेशल टाइप और केमिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होता है, ठीक है, क्रोमियम का ये मेन सोर्सेज है। और कराईकेल में ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है, और ज़्यादातर रिसेंटली जो कहाँ पाया गया है, धनबाद में और हजारीबाग में, वहाँ तो हम मैंने बहुत ज़्यादा ज़िले कराए थे ना, ये स्पेसिफिक ज़िले हैं जहाँ क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। टंगस्टन इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ओर ऑफ वोल्फ्रामाइट मिनरल से मिलता है टंगस्टन, ठीक है। अब इससे बनाया क्या जाता है, हाई टेम्पर्ड स्टील एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स से बनाए जाते हैं टंगस्टन से। इलेक्ट्रिकल गुड्स मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप फ़ोन जिसमें देख रहे हो या लैपटॉप में जिसमें देख रहे हो, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टंगस्टन से बनी हुई हैं। हजारीबाग ज़िले में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वैनेडियम, वैनेडियम इन द स्टेट इज़ फाउंड नियर द आयरन ओर माइंस, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में वैनेडियम ज़्यादा मिलता है, ओके। ये वाइट और सिल्वरी मेटल होता है, धातु है, वैनेडियम सबसे ज़्यादा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता है, ठीक है। स्पेशल टाइप के हैवी वेट जो चीज़ें होती हैं, मशीन्स होती हैं, ये बनाने के काम आता है, ठीक है, एक टाइप का स्टील है। गोल्ड, गोल्ड सोन सुबर्णरेखा और दामोदर वैली में पाया जाता है, और ये ज़्यादातर ओनली कॉन्फाइंड टू सुबर्णरेखा वैली, तो ये याद रखना, ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जा सकता है कि गोल्ड के बारे में, झारखंड के गोल्ड के बारे में बताओ, तो ज़्यादातर ये सुबर्णरेखा वैली में ही, इस वजह से नाम भी रहता है इसका, ठीक है, ये सुबर्णरेखा वैली तक ही कॉन्फाइंड रहता है ज़्यादातर, ठीक है। ओके, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये साउथ कोयल, सुनखारी, गरंदी, सोनीपत वैली ऑफ रांची में भी कुछ कुछ मिलता है, बट बाकी मेनली कॉन्फाइंड है वहीं। आगे है सिल्वर, सिल्वर इज़ फाउंड अलॉन्ग विद द मिक्सचर ऑफ ब्लड, जिंक एंड सल्फर कॉपर। सिल्वर जो है, चांदी जो है, वो झारखंड में लेड, जिंक, सल्फर और कॉपर के मिक्सचर के साथ ही मिलता है, हजारीबाग ज़िले में, पलामू, चतारा, रांची, सिंहभूम, यहाँ पर आप सबको मिल जाते हैं। तो नया डिपॉजिट सिल्वर के गिरिदीह और हजारीबाग में मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टिन, ये कैसिटराइट मिनरल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, संथल परगना, हजारीबाग में ये मिलते हैं। नेक्स्ट है लेड, इसका मिनरल जो है गैलेना है, ठीक है। कोई कहेगा लेड की जो लेड का मिनरल कौन सा है, कौन से मिनरल से लेड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो है गैलेना। कौन से खनिज को लेड से, खनिज को, खनिज में से लेड को जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है वो आएगा तो गैलेना यूज करना, ठीक है। जिंक और सिल्वर के साथ ये मिलता है, और पलामू, रांची, सिंहभूम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो थे कुछ मेटेलिक मिनरल, अब कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल कर लेते हैं। मीका, इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ मीका, भारत में सबसे पहला जो उत्पादन होता है मीका का होता है, और भारत की बात करूँ तो फर्स्ट है, पर झारखंड रैंक फर्स्ट एंड हैज़ 46% ऑफ इंडिया मीका रिजर्व। इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट है इसके प्रोडक्शन में, मीका के प्रोडक्शन में, और झारखंड भी फर्स्ट में है। इंडिया के मैं बारे में बात करूँ किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो 46% जो उत्पादन है रिजर्व है, रिजर्व की मैं बात करूँगा, भंडार जो है मीका के झारखंड में है, ठीक है। मीका दो टाइप के होते हैं, मस्कोवाइट और बायोटाइट, ठीक है।
और झारखंड में ज़्यादा मस्को टाइप मीका होता है। ओके, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर नॉर्दर्न पोर्शन में है, उत्तरी भाग में जो है वो पाए जाते हैं। वर्चुअली देयर इज ए मीका बेल्ट 145 किलोमीटर लॉन्ग एंड 26 किलोमीटर वाइड एंड दिस मेनली लाइज इन गिरदी एंड हजारीबाग। गिरदी और हजारीबाग में मीका की बेल्ट फैली हुई है। बेल्ट फैली हुई है मतलब उतने रीजन में मीका मिलेगा आपको। ओके ओके, कोडरमा रिजर्व फॉरेस्ट में भी मीका बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और विच 1/3 मीका ऑफ द स्टेट इज़ प्रोड्यूस कोडरमा रिजर्व फॉरेस्ट में। ओके, बाकी ये मीका के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ जहाँ मिलता है ये वही चीज़ आपको बताई जा रही है। ओके, नेक्स्ट है डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन। जो जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको याद करना है। ओके, स्टेट ऑफ झारखंड इज नॉट रिच इन टर्म्स ऑफ लाइमस्टोन बिकॉज ओनली लिमिटेड एरियाज ऑफ पलामू एंड गरवा दामोदर बेसिन और संथल परगना में डोलोमाइट आपको और लाइमस्टोन आपको मिल जाता है, ठीक है। आगे नोडुलर लाइमस्टोन कॉल्ड कंकड़, जो नोडुलर लाइमस्टोन है उन्हें कंकड़ कहते हैं और घुटिंग कहते हैं। ये राजमहल हिल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। द एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड आर वर्किंग वेयर लाइज गुड्स रिजर्व ऑफ लाइमस्टोन। डोलोमाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन कोल बेसिन डॉल्टन एंड चालीबासा, ठीक है, ये मिलते हैं। ओके, कायनाइट। काइनाइट ऑफ हाई क्वालिटी इज फाउंड इन एबंडेंस एट लप्सा बुरू नियर राजखरसवा एंड इज़ वर्कड बाई इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, राजखरसवा में। ह्यूज डिपॉजिट ऑफ पुअर ग्रेड मटेरियल आर लाइंग डोरमेंट नियर घाटशिला, इट इज़ यूज फॉर रिफ्रैक्ट्री मटेरियल, ठीक है। ये ज़्यादातर किसके रिफ्रैक्ट्री मटेरियल, जैसे फनेंस होता है ना, किस चीज़ को ग्लासेस बनानी है, कांच बनाने होते हैं, कांच टाइप जो मटेरियल होता है वो बनाने होते हैं, तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एस्बेस्टोस क्रिस्टलाइन धार्वनियन रॉक्स का पार्ट है और फायर रेसिस्टेंट क्वालिटी होती है, ज़्यादातर आग नहीं लगती है इसलिए भी उसको यूज़ करते हैं। सिल्की फाइब्रस मिनरल होता है जो कि रांची और सिंहभूम जिले में मिलता है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न पोर्शन है झारखंड का, वहाँ भी ये मिलता है सरायकेला और धलबुम में, ठीक है। ओके, एबेस्टोस क्लॉथ्स आर यूज टू कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर्स एंड इंजन्स। देखिए एबेस्टोस क्लॉथ से जो कपड़े से, जैसे हमने कहा फायर रेसिस्टेंस होता है, तो बहुत ज़्यादा जो फायरमैन होते हैं, जैसे आग लग जाती है तो एबेस्टोस के ही जो कपड़े होते हैं वो पहन के आग बुझाने जाते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कंज्यूम्ड इन गेट एरोप्लेन्स एंड मिसाइल्स। नेक्स्ट है फायर क्ले, दामोदर बेसिन रांची सिंहभूम में ये लोकेटेड है। फायर अकर्स, फायर क्ले अकर्स प्लेंटिफुली ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ राजमहल हिल्स में, बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। फायर क्ले ईंट बनाने के काम आती हैं, ठीक है, और वहाँ की जो स्टील प्लांट्स होते हैं वहाँ के फर्नेंस के काम आती है, वहाँ पर आग जलाने के काम, ये वगैरह वगैरह भट्टियों में भी डालते हैं। जैसे आग जलाने मतलब, जैसे जो फायर क्ले होती है ज़्यादातर, अगर हम जो स्टील प्लांट का फर्नेंस होता है तो वहाँ पर अगर ये फायर क्ले लगा दें तो उतने ज़्यादा आग का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब जैसे आपने सिगड़ी सुना होगा, सिगड़ी, ठीक है, सिगड़ी होती है रात, अभी जैसे विंटर का चल रहे हैं तो सिगड़ी जलाते हैं, तो ज़्यादातर फायर क्ले का भी यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। ओके, हजारीबाग राजमहल हाईलैंड्स ये यहाँ पाए जाते हैं। चाइना के लिए वाइट पाउडरी क्ले डिराइव फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ फेल्डस्पार, फेल्डस्पार का जब डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, तो वाइट वाइट पाउडर निकलता है, तो उसे चाइना क्ले कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर रांची धनबाद सिंहभूम और हजारीबाग में ये मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर ये किस में यूज़ होता है, ब्लीचिंग मटेरियल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में और इंसुलेटर में। पेपर इंडस्ट्री में जैसे पेपर बनाए जाते हैं ना, जैसे आपकी नोटबुक है सपोज, तो वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। देखिए दिस मिनरल इज ऑल्सो नोन एज प्लम बैगो और ब्लीच लीड, तो ये प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट का जो मिनरल होता है उसे प्लम बैगो और ब्लीच लीट कहते हैं। ये ज़्यादातर नॉर्थ कोयल बेसिन में पाया जाता है, ठीक है, और कुछ कुछ जो हिस्सा होता है वो रांची डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है। द डिपॉजिट ऑफ पलामू आर माइंडेड मेनली बाय द स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड अदर प्राइवेट पार्टीज़। जो पलामू का है वो ज़्यादातर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और दूसरी प्राइवेट पार्टीज़ उसको एक्स्ट्रा करती हैं। नेक्स्ट है कोयला। झारखंड में, झारखंड इज़ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। पूरे देश में झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस होता है। झारखंड के बाद है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। कोयले के लिए तो आपको झारखंड ही याद करना चाहिए।
एक्चुअली 38% ऑफ टोटल रिजर्व ऑफ इंडिया आर फाउंड इन द स्टेट, ठीक है, 38% जो है पूरे भारत का, 38% से 40% तक कोयला कहाँ पर है, हमारे झारखंड में है। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द स्टेट हैज 3 to 6 कोल सीम्स हैविंग द थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम 83 मीटर्स टू 25 मीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, जियोलॉजिकल सर्वे होता है और ये पाया जाता है कि 83 से 25 मीटर तक इतने इतने मोटे थिक एरिया में कोयला है, बहुत ज़्यादा है। कोल ऑफ द रीजन आर ब्यूटिनियस एंड सब ब्यूटिनियस टाइप ऑफ गोंडवाना पिरट। ये देखिए, इसके याद रखना, जो कोयले हैं झारखंड में वो गोंडवाना पिरट के हैं, विच आर इंडिविजुअल यूज। देखिए, आर्कियन पिरट, धरावार पिरट, गोंडवाना पिरट, विध्यांचल, विध्यांचल जो पिरट है उस बेसिस पर जब रॉक सिस्टम प्रोड्यूस हुए थे, बन रहे थे, तब के हैं ये। तो कोयला जो झारखंड का है वो गोंडवाना पिरट का है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा है झारखंड की ज्योग्राफी, एक बार आप देख लेना यहाँ प्लेलिस्ट से, वहाँ पर मैंने पूरे रॉक सिस्टम समझाए हैं, ठीक है। ओके, अब जो कोल माइंस हैं स्टेट की, वो 5 मेजर कैटेगरी में डिवाइड है। कहाँ कहाँ मिलता है देखो, दामोदर वैली कोल रीजन, झरिया, चंद्रपुर, बोकारो, हजारीबाग और गिरदिया कोल रीजन, तीसरा अजय बेगम कोल रीजन, बाजी में है अजय बाजी, राजमहल हिली कोल रीजन और लास्ट नॉर्थ कोयल वैली कोल रीजन, ये हैं, ठीक है। तो हम कोल माइंस जो हैं स्टेट की वो 5 मेजर रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हैं। ओके, अब ये सब हमने मेटेलिक भी पढ़ लिया, नॉन मेटेलिक भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मिनरल, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले है यूरेनियम। झारखंड का यूरेनियम दो टाइप का होता है, पेगमेटाइट पिच ब्लेंड और यूरेनियम कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, पिच ब्लेंड क्या है, पिच ब्लेंड किसका मिनरल होता है, यूरेनियम का, ठीक है। ये जाडूगुडा, जुमादी, नरवा, केरुआ, यहाँ माइंस में मिलता है। नेक्स्ट है थोरियम, इसके लिए ये याद रखना पिच ब्लेंड यूरेनियम का है। ओके, मिनरल थोरियम रग्ड और डाइसेक्टेड अपर सरफेस में मिलता है, रांची प्लेटियो और पंच परगना में, और ये ऐसा माना जाता है कि इसका भंडार 2 लाख टन तक है। लैमिनाइट, ये एक रॉ मटेरियल है जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स में यूज़ होता है, ये रांची प्लेटियो में आपको देखने को मिल जाएगा, और ज़्यादातर इसका यूज़ एरोप्लेन्स में, रॉकेट में और सबमरीन्स में किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई, अब नेक्स्ट है झारखंड की मिनरल पॉलिसी। सबसे पहला है खनन क्षेत्र को आसान बनाने के लिए आवश्यक राहत प्रदान करना, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर ऑफ ग्रांटिंग लीज, अगर किसी को लीज़ पे देना है तो उसकी जो प्रोसेस है उसको आसान बना देना, ठीक है, ये 2006 की पॉलिसी में लिखा है। इनकरेज यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा किन गतिविधियों को बढ़ाना, बढ़ावा देना मॉडर्न और जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, ताकि कम से कम जो पॉल्यूशन है वो हो, और पॉल्यूशन कम होगा तो क्या होगा, सेफ इन्वायरमेंट की तरह बढ़ते हुए जो फॉरेस्ट कवर है वो भी बढ़ेगा, और दूसरा अगर माइनिंग होती है तो अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है तो इन्वायरमेंट को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल तो नहीं बट उसके बेसिस पे जितना अफॉरेस्टेशन हम करते हैं, पेड़ लगाते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हद तक इमिशन भी कम होगा। क्लियरिंग माइंस लीज एप्लीकेशन एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद इन 16 डेज, 60 डेज, 60 ही दिन के भीतर जो लीज़ है और जितनी भी चीज़ें प्रोसेस उसको काम कर देना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, 2 महीने के अंदर। प्राइवेट सेक्टर जो निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोलेबरेशन विथ फोकस ऑन NRI, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि जैसा अभी हमने देखा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम आती हैं झारखंड की, अगर मैं बात करूं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना ताकि आप झारखंड में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। ओके, कुछ इंस्टीट्यूशन करते हैं झारखंड के, उनके इस्टेब्लिशमेंट डेट हम पढ़ेंगे और वो कौन से ज़िले में है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी उससे ज़्यादा और ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। सबसे पहला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में, ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडी है और इंडिया का लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ जो पूरे लेक्चर के दौरान, तो माइनिंग जो माइनिंग के क्षेत्र में, फ्यूल के क्षेत्र में ये रिसर्च करता है। रिसर्च करने से क्या होता है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन किया जाता है,
और जितना ज़्यादा जो वातावरण है उसको पॉल्यूशन कम पहुंचता है या कितना कम पॉल्यूटेड हो सकती है एक माइनिंग करना, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस चीज़ को कम किया जाता है। दूसरा है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये धनबाद में है और इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ऑन द लाइन्स ऑफ रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन, और ये ओपन किया था 9 दिसंबर 1926 में लॉर्ड इरविन। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आ जाएगा डायरेक्ट इंडियन स्कूल ऑफ माइंस किसके टाइम में ओपन किया था, लॉर्ड इरविन के टाइम में, ठीक है। 25 मई 2016 को यूनियन कैबिनेट हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी अप्रूव्ड दैट बिल द इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट फॉर कन्वर्टिंग ISM धनबाद इंटू एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ISM धनबाद को IIT में कन्वर्ट करने की बात की गई है 2016 में, ये बिल आया था, ठीक है। बिल पास हुआ राज्यसभा में और इवेंचुअली साइन कर दिया गया प्रेसिडेंट द्वारा, 10 अगस्त को नोटिफाई कर दिया गया गैजेट ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है चीज़। नेक्स्ट है नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी। मेटलर्जिकल का मतलब होता है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, मिनरल्स में से धातु अधातु इन सब को एक्सट्रैक्ट करना मेटलर्जी कहलाती है। कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ स्थित है ये लेबोरेटरी, जमशेदपुर में। 26 नवंबर 1950 को कंट्री के पहले जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इनोग्रेट की थी ये, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट, रांची में स्थित है, 1994 में ये एस्टिब्लिश की गई। नेक्स्ट है मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट मैकॉन, 1959 में ये जो है इस्टेब्लिश कर दी गई, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ओके, और रांची में ये है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डेजिग्नेट इंस्टीट्यूट, ये लोकेटेड कहाँ है, रांची में, ओके। इसे ये मिनी रत्न का इसे स्टेटस दिया गया है, 1975 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है इंडियन ब्यूरो माइंस, ये रांची में है और 1884 में ये इस्टेब्लिश की गई थी। दो ही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड, तो ज़्यादा इसमें नहीं है कि चेयरमैन कौन है, ये ऐसा नहीं पढ़ना। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है धनबाद में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन, द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज चेंज टू डिपार्टमेंट ऑफ माइंस इन 1904, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, कलकत्ता में, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन किया था और जो है इसका जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है भारत कोकिंग कोयल, ये सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, धनबाद में, और 1972 में ये बनी थी। तो ये सब जितने भी हमने देख लिए इंस्टीट्यूट झारखंड में हैं वो सब देख लिया। अब कुछ देख लेते हैं प्रोडक्शन, और इस वीडियो को हम करेंगे एंड। प्रोडक्शन लास्ट है इस पूरे वीडियो का, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स इन झारखंड, ठीक है। कॉपर का प्रोडक्शन और परसेंटेज फ्रॉम झारखंड प्रोड्यूस्ड एज ए रेट ऑफ बिहार, ठीक है। तो कॉपर का होता है आप देख सकते हैं बगल में, कायनाइट का होता है, क्वार्टजाइट का होता है, मीका का, एबेस्टोस का, एस्बेस्टोस का, ठीक है, एपेटाइट का, कोल का, सैंड का प्रोडक्शन 0.02, फायर क्ले, चाइना क्ले, बॉक्साइट, आयरन ओर, लाइम स्टोन, मैगनीज ओर, पायराइट और अदर मिनरल। तो इन सभी का प्रोडक्शन ऑलरेडी हम इंडिया के बेसिस पर भी कंपेयर करके देख चुके हैं। तो ये था सब झारखंड में खनिज का उत्पादन कितना होता है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल ऑफ टोटल मिनरल प्रोडक्शन का कितना झारखंड में होता है, ये सब हमने देख लिया है। तो इस तरह से खनिज हम करेंगे ख़त्म, और अगले वीडियो पार्ट में हम करेंगे परिवहन और उससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, धन्यवाद।